नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है अहंकार अपने ही विनाश का एक कारण। साधन संपन्न का पतन होते ही समाज में उनकी असहनीय प्रतिष्ठा होने लगती है। लोग पहले जितना उसका मान सम्मान और आदर सत्कार किया करते हैं, उसी अनुपात से अवमानना करते लगते हैं। आदर पाकर अपमान मिलने पर कितनी पीड़ा, कितना दुख और कितना आत्मसंताप मिलता होगा, उसका कोई भुक्त भोगी है जान सकता है। अहंकार भयानक शत्रु के समान होता है। उससे क्या रिक्त और क्या सम्मत, सभी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। यह जिसको अपने वश में कर लेता है, उससे सदा के लिए नष्ट कर डालता है। प्रकट अहंकार की हानियां तो प्रकट ही है, गुप्त अहंकार भी कम भयानक नहीं होता। बहुत लोग चतुरता के बलि पर समाज में अपने अहंकार को छिपाए रहते हैं। ऊपर से बड़े विनम्र और उदार बने रहते, किंतु अंदर ही अंदर उससे पीड़ित रहा करते हैं। ऐसी मिथ्या लोग उदारता दिखाने के लिए कभी कभी परोपकार और परमार्थ भी किया करते हैं। दान देते समय अथवा किसी की सहायता करते समय बड़ी निष्पृष्टता प्रदर्शित करते हैं, किंतु अंदर ही अंदर लोकप्रियता, प्रशंसा और प्रकाशन के लिए लाभान्वित बने रहते हैं। कई बार तो जब उनकी यह कामना आकांक्षा अपूर्ण रह जाती है, इतनी लोकप्रियता अथवा प्रशंसा नहीं पाते जितनी ही कि वे चाहते हैं। जो वे अपने प्रकाश परमात्म अथवा दान पुण्य पर पश्चाताप भी करने लगते हैं और बहुत आगे के लिए अपना उदारता का द्वार ही बंद कर देते हैं। ऐसे मानसिक चोर अहंकारियों का अपने परमार्थ का भी कोई फल नहीं मिलता, बल्कि ऐसे मिथ्या दानी प्राय पाप के लिए बागी बनते हैं। परमार्थ कार्यों में अहंकार का समावेश अमृत में विष और पुण्य में पाप का समावेश करने के समान होता है। वैसे तो अहंकारी कदाचित ही उदार अथवा पुण्य परमात्म वह करते, पाप का गठ सिर पर रखे कोई पुण्य में प्रवृत्त हो सकता है। यह संदेहजनक है। पुण्य में प्रवृत्त होने के लिए पहले पाप का परित्याग करना होगा। स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए रोगी को पहला रोग के मुक्त होना होगा। रोग के छूटने से पहले ही यदि वह स्वास्थ्य वर्धक व्यायाम में प्रवृत्त हो जाता है तो उसका मनोवृत्तीय पूरा न होगा। लोक परलोक का कोई भी श्रेय प्राप्त करने में अहंकार मनुष्य का सबसे विरोधी तत्व है। लौकिक उन्नति अथवा आत्मिक प्रगति पाने के लिए जाने वाले प्रयत्नों में अहंकार का त्याग सबसे प्रथम एवं प्रमुख प्रयत्न है। उससे मनुष्य को यथाशीघ्र तत्पर हो जाना चाहिए। अहंकार के त्याग से उन्नति का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है, साथ ही निरहंकारी स्थिति स्वयं में भी बड़ी संतोष एवं शांतिदायक होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य